हेलो गाइस, आज हम करेंगे कोरल एडिटिंग विथ रियर एलआर स्नैपसीड एंड इसके थ्रू। सो डोंट फॉरगेट इट, वॉच द फुल वीडियो। सुनो, एंड जब तक हमारा वीडियो चालू हो रहा है तब तक आप नीचे जो रेड बटन है उस पर क्लिक करोगे, टैप करोगे, पता मारोगे मुझे नहीं पता, पर वो टैप हो जाना चाहिए। तो गाइस, हम अपनी फोटो को ओपन कर लेते हैं लाइट रूम में। एंड लाइट रूम में आपको यहाँ मिल जाएगा लाइट ऑप्शन। लाइट में आपको फोटो देखने कितना रखना है, एंड जितना सही लग रहा है मैं करूँगा। एंड कॉन्ट्रास्ट आपको देखने कितना रखना है, आपको जो कॉन्ट्रास्ट है यहाँ पर है हाईलाइट जो आपको सही लगनी चाहिए। यहाँ पर दिख रहे हैं आपको जो सही लगता है वो आप दिखा दिया मेरे को नजर लेगा। मैं लिया कलर का ऑप्शन, आपको टेंट वाइब्रेशन को नीचे चढ़ना है, आपको सिर्फ वाइब्रेंस को आना है। अगर आपको वीडियो जैसे भी फोटो को चाहिए जैसे वैसे कर सकते हो। ट्रेंड आ जाएगा नेक्स्ट पे। आपको थोड़ा सा कम करना है, एंड देन आपको क्लैरिटी थोड़ी सी हल्की से कोई दो पॉइंट बढ़ा देनी है। एंड तो मुझे ना नहीं फिर डिटेल्स में अपनी कम करनी थोड़ी सी मस्किंग एंड माइंड डिरेक्शन, इसे आपको गाइस कलर होता है वो एकदम क्लियर हो जाता है कलर माइंड डिरेक्शन। एंड फिर अपनी फोटो शेयर कर लेंगे स्नैपचैट में। तो तक हमारी शेयर हो रही है, तो मुझे टेलीग्राम चैनल में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, फॉलो करते हुए टेलीग्राम चैनल को लिए। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है चूज का, चूज का अपने आपको क्यों मिलता है ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर क्लिक करके आपको देखना ब्राइटनेस एंड भाई कितना रखना है, अपना सही उतार सकते हो। लाइटिंग कितना रखना है, शैडो मैडम क्लिक कर लेंगे। फिर आपको रूट करना है, फिर आपको फ्लैक्स ऑफ करना है, फिर टू पे जाने का फिर जूम करना है, फिर आपको फेस पे क्लिक करना है। यहाँ पर इसको थोड़ा कम करना है जितना आपको चाहिए, कितना ब्राइटनेस लेना है। फिर यहाँ कॉन्ट्रास्ट है, ऑपरेशन यहाँ पर आज कल डन। फिर आप टूल से फिर आपको यहाँ मिलेगा ऑप्शन पोर्ट्रेट का, तो इसमें आप ये आप इसके आकर अपने फेस स्पॉटलाइट को ऑफ करते हो, इसकी कंप्लीट कर दीजिए। इसके लिए स्मूथिंग का 20 फोटो कर सकते हैं, फिर आप अपनी फोटो को शेयर कर दो इसके बुक में। इसके बुक का ही हमारे लोग ओपन कर लेते हैं, एंड इसके बुक ओपन के बाद डिस्कॉर्ड करें पहले से था आई थिंक। यहाँ पर आपको आना है स्पेशल आइकन पे, यहाँ पर आपको इसमें कॉपी मिलेगा। यहाँ पर आप फ्लिप फिटिंग जा करके आप अपनी साइज अपने आपको कर सकते हो, बट फ्लो को आपको अपने अपने 10-5% करना है। यहाँ पर लग लेता हूँ इसको स्टेंट को करना करता हूँ आई थिंक, चलिए सब कर लेता हूँ। तो गाइस थोड़ा सा जूम कर लेना है जिस पे फेस इस तरह करना है ताकि फेस एकदम स्मूथ हो जाए। थोड़ा सा करते हैं गाइस, देखिए हमारा फेस स्मूथ हो रहा है एंड दिस साइड कर देंगे क्लियर। ये हमारी फोटो आज की यहाँ से चला में चलाने आने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपको कलर से अपने करके हमें चला जाना है। यहाँ पर आपको अपने खाते देखना है कि कलर देना है। हमारी फोटो जो है अपने